से यहाँ पर आए हैं। मेयर साहब को बुलाइए पहले मुझे ले। नमस्कार आदाब, मैं आने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो वोट डाल चुके हैं। सरकारी यहाँ बनेगी क्योंकि उनके कार्य जो है सब लोगों के यहाँ पसंद आए हैं और उन्होंने जो है सबके लिए समान कार्य किया। इससे इसी के साथ और लोगों से जानते हैं कि कहीं साइकिल भी चल रही है प्रकाश नगर के एरिया में या मुरादाबाद के एरिया में? कहीं साइकिल भी है? नहीं साइकिल कहीं नहीं है। हमें साइकिल चला के करना क्या है? हवाई जहाज से अपने बड़े भाइयों को गिराना है क्या? ऐसे विकास से करना क्या है कि हवाई जहाज से भैया जब जाएंगे उड़ के फिर वो गिर जाएंगे नीचे को? तो भैया हमें सबका विकास सबका साथ हमें योगी जी के साथ ही चाहिए। लेकिन ऐसे काफ़ी क्षेत्र हैं जो लोग कह रहे हैं कि पूरे 5 साल में कोई किसी की नौकरी का जो वादे किए गए हैं 4.5 लाख नौकरी बिना पैसे के लोगों को मिली है, बिना भ्रष्टाचार के मिली है। यह समाजवादी सरकार में सबको पैसे दे के भ्रष्टाचार के माध्यम से ही नौकरी मिलती थी। पोस्टल ऑर्डर वाइज 10-10 जिलों में वहाँ पे वो पर्चे बनवाते थे, 20-25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करता था। यहाँ एक ही व्यक्ति ने पैसा खर्च करके भाई साहब सबकी नौकरी मिली है, सबको नौकरियाँ मिली है। महंगाई पर आपका क्या कहना? महंगाई तो भाई साहब सभी की कौन सही कर सकता है? कौन सी सरकार सही कर सकती है? कोरोना काल में सभी को भाई साहब अनाज मिला है घर बैठे फ्री में। कोई सी सरकार ने विदेशों में देखो इतने लोग मर रहे हैं, हिंदुस्तान में कैसे कोविड का कंट्रोल में आ गया? ये हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। जी बताइए। और हम चाहते हैं कि हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार ही आए और गरीबों को मुफ्त राशन, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़कें, उज्ज्वला गैस। नहीं मैम, कहीं ना कहीं बिजली पर तो रेट बढ़ा है योगी सरकार में। बिजली पर रेट बढ़ा है जब दूसरी सरकारों ने जब कर्जा कर दिया 24 घंटे लाइट आई है, वहाँ देखिए अब इधर का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। वहीं आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली अगर हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो सब चीजें तो बैलेंस बनाने के लिए। आप ये देखो, एक गरीब व्यक्ति जो सड़क पे खड़ा है उसको आवास भी मिलेगा, उसको राशन भी मिलेगा, डबल बार डबल डबल बार। दूसरी बात डबल सरकार में मुफ्त मिल गया है। बात लाइट पानी और गरीबों के लिए विवाह की भी व्यवस्था, ठीक है? और क्या क्या हम क्या क्या गिनाएं, क्या क्या उनकी खूबियां गिनाएं, ये हम कह नहीं सकते कि उनका है सपा आती कब थी। फिर दूसरा उनका जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लक्ष्य अटल था, अटल ही रहेगा, और वोट कमल था, कमल ही रहेगा। हमारे साथ मेयर साहब भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उन्होंने साइकिल दिखाई देती है आपको? नहीं, साइकिल वाले साइकिल पे लगा रहे हैं, अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि हमारे जो भाई साहब जो जेल में बंद है वो बाहर निकल के आएंगे, वो अपना शासन फिर करेंगे, गुंडों की सरकार से कराएंगे वो। अच्छा अब इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार ही आएगी, 15 साल का पूरी आपको सरकारी आनी है। जो जो काम और क्या हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए। एक महीने में दो बार पिछले 5 साल में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो किसी और सरकार ने सब चोरी करी है यहाँ पे आके। अशोक चौहान तो पहले भी कर रहे थे, आप देख सकते हैं इस बार सरकारी पूरी बहुमत से आएगी। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हमारे साथ और भी महिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। थोड़ा पीछे होके कर लो बात, पीछे होके कहीं ना कहीं
दंगे की अगर बात की जाए तो योगी सरकार में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो सामने आया है कि अपराध अपनी जगह पर अटल है। अपराध या तो इस बार घूमे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर हमेशा के लिए ऊपर चले गए हैं और ये काम केवल योगी जी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकते यहाँ पे। और बाकी जितने बचे वो आप चले आप चले जाएंगे। आने वाले 15 साल में कोई और सरकार ये दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी तो भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बातचीत 6 बजे के बाद पहले करेंगे कार रही होगी कुछ चिंता नहीं। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। बहुत उत्साह के साथ वोटिंग की जा रही है और यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि अब बात करेंगे 6 बजे के बाद, इस वक्त करेंगे सिर्फ बीजेपी को जिताने का काम। आइए हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे, अगर आप हमारे साथ हमें देख रहे हैं कहीं से भी, तो हम आपसे एक अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप भी अपने बहुमत का पूर्ण तरीके से बहुमत का उपयोग करें और वोट डालने जरूर जाएँ। इस बार वोट जरूर डालें। मेरे साथ कैमरामैन के साथ अरशद वारसी, मैं शाजेवालम, लाइव।